वीवो वी 30 प्रो इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। जो स्पेसिफिकेशन के साथ इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है, वही स्पेसिफिकेशन अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है, तो चलिए देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन और प्राइस कितना रखा गया है इंडोनेशिया में, वही प्राइस दूसरे अदर कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले देखिएगा तो 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 2800 अधिकतम ब्राइटनेस दी गई है HDR10 प्लस सपोर्टेड 120Hz रेट का। 8GB रैम 256GB वेरिएंट, 12GB रैम 512GB वेरिएंट लॉन्च किया गया है। एंड्रॉइड 14 बेस्ड फ्रंट टच ओएस 14 दिया गया है। डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। डिस्प्ले डिजाइन देखिएगा तो कर्वी डिजाइन के साथ आता है। बैक डिजाइन में कुछ यूनिकनेस देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस जो भी स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है उसी के जैसा ये है। खास बात यह है कि 5000mAh की बैटरी दी गई है और 80W का फास्ट चार्जर दिया गया है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है सोनी IMX920 सेंसर के साथ। दूसरा भी दिया गया है पोर्ट्रेट कैमरा 50 MP का, इसमें भी सोनी IMX816 सेंसर। तीसरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया 50 MP का। सेल्फी कैमरा भी 50 MP का मिल जाता है, तो कैमरा में कुछ कमी नहीं छोड़ी गई है। मेरे ख्याल से कैमरा में कुछ कमी आप निकाल भी नहीं पाएंगे। प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 दिया गया है, तो प्रोसेसर आप कह सकते हैं कि कमी की गई है, क्योंकि इसका जो प्राइस रखा गया है 12GB रैम 512GB वेरिएंट का 47600 रुपया, 47000 में ये प्रोसेसर थोड़ा सा डिस्काउंट करता है, लेकिन कैमरा में कुछ कमी नहीं है। वहीं 8GB रैम 256GB वेरिएंट का रिवील नहीं किया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट भी खराब नहीं है, अच्छा चिपसेट कह सकते हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर चिपसेट दिया जा सकता था। इंडिया में 7 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया में किस चिपसेट के साथ इसको लॉन्च किया जाता है। कैमरा सेटअप वही रहने वाला है, बैटरी वही रहने वाला है, हो सकता है चिपसेट में अंतर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।